Good morning students, I Dr. Anupama Malabe welcomes you to our e-learning classes. And as all of you know that my subject is HRM, and today I am going to explain you the meaning and definition of human resource management. आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है. ये देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हम लोगों को बहुत सिंपल सा लग रहा है, एक जो ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, जो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने वाला है. लेकिन देखिए, ह्यूमन रिसोर्स यानी ही क्या है, जो मैन पावर है एक कंपनी में उसको किस तरह से आप यूटिलाइज़ करोगे, उसके साथ आप किस तरह से डील करोगे, इसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करता है आपके कंपनी का या आपकी इंडस्ट्री का एनवायरमेंट, बराबर है. तो ये ह्यूमन रिसोर्स जो है उसे स्किलफुली या टैक्टफुली हैंडल किया तो ही आपकी कंपनी में एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है, एंड ओनली देन यू आर इन अ पोजिशन टू अचीव योर सेट गोल्स, बराबर है. क्योंकि मशीन से तो मशीन्स एक जैसे ही काम करने वाली है, उनके कोई अपने थॉट प्रोसेस नहीं है, उनका कोई अपना फीलिंग नहीं है, बराबर है. लेकिन ये जो ह्यूमन रिसोर्सेस है, ह्यूमन बीइंग्स जो है, हमने इकोनॉमिक्स में भी देखा था, हर एक ह्यूमन बीइंग के अपने अलग से वांट्स होते हैं, उनके मोटिवेशनल मेथड्स अलग अलग होती है, उनके सेंटिमेंट्स अलग अलग होते हैं. तो ये सब लोगों को जो अलग अलग नेचर के हैं, अलग अलग स्वभाव के हैं, जो एक कंपनी में काम कर रहे हैं और उन्हें हैंडल करना, ये बहुत ही टास्कफुल या हम लोग कह सकते हैं स्किलफुल वर्क होता है. एंड वी आर डिस्कसिंग दिस टास्क इन आवर सब्जेक्ट HRM, ठीक है. तो हम लोग HRM में यही देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है. हैंडल करना है तो राइट फ्रॉम सिलेक्शन प्रोसेस टू टिल देयर एग्जिट, हम लोगों को उन्हें क्या करना है, हैंडल करना है. तो उसमें अलग से वेरियस प्रोसेसेस आती है जो हम लोग वन बाय वन हर एक यूनिट में देखने वाले. तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग सिर्फ डेफिनेशन देखने वाले HRM की और उसका मीनिंग देखने वाले. तो चलो देखते हैं क्या है इसका मीनिंग. इन सिंपल वर्ड्स, HRM इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग द इफिशेंट एंड इफेक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज सो दैट द सेट गोल्स आर अचीव. जैसे मैंने आपको अभी कहा, क्या होता है, ये ह्यूमन रिसोर्सेस है, उन्हें क्या करना है, इफ़िशियंटली एंड इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है. इकोनॉमिक्स में भी हमने देखा है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज तो ही आपके जो सेट गोल्स है वो अचीव हो सकते हैं. लेकिन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की, जैसे मैंने कहा, उनके फीलिंग्स होते हैं, उनके सेंटिमेंट्स होते हैं, उनके अलग अलग मोटिवेशनल फैक्टर्स होते हैं, ये सभी को देख के आपको क्या करना है, उनका प्रॉपर यूज़ करना है सो दैट द कंपनी कैन अचीव इट्स सेट गोल्स. तो ये प्रोसेस है कि किस तरह से अवेलेबल जो ह्यूमन रिसोर्सेस है हमारे यहाँ पे, उनका हम लोग इफ़िशेंटली एंड इफ़ेक्टिवली यूज़ कैसे करते हैं, एंड दैट इज़ HRM. डेफिनेशन से तो बहुत सिंपल रख रहा है, लेकिन इतना सिंपल वो नहीं होता है. लेट अस सी व्हाट फ्लिपो सेज फॉर HRM. पर्सनल मैनेजमेंट और से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस एंड सेपरेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज टू द एंड दैट इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर अकम्प्लिश्ड. देखिए क्या कहा जा रहा है इसके बारे में, कि HRM जो है क्या है, ये पर्सनल मैनेजमेंट, इन्हें कई बार पर्सनल मैनेजमेंट भी कहा गया है, लेकिन इट इज़ नॉट अ पर्सनल मैनेजमेंट, इट इज़ डिफरेंट. हम लोग देखेंगे कि पर्सनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये कैसे अलग अलग है. फ्लिपो ने उन दोनों को एक जैसे ही कहा हुआ है, लेकिन इट्स नॉट सो. तो इज़ द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द प्रोक्योरमेंट. क्या हो रहा है इसमें, प्लानिंग, जैसे हम लोगों ने देखा है मैनेजमेंट के चार मेन फंक्शंस है, क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. एक स्टाफिंग भी होता है, इन्होंने यहाँ पे चार फंक्शंस दिए हुए हैं. ऑफ द प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट किसके बारे में कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये पूरा का पूरा ह्यूमन बींग के बारे में बात की जा रही है, ठीक है.
प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट यानी आप उनको किस तरह से आपके कंपनी में लेते हो, डेवलपमेंट यानी उनको किस तरह से ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो, उन्हें किस तरह से इन्फॉर्मेंट प्रोवाइड कर रहे हो सो दैट दे कैन बी डेवलप. कंपनसेशन मीन्स हाउ यू आर रेमुनरेटिंग देम. देन इंटीग्रेशन यानी एक दूसरे के साथ उन्हें वर्क करना है और उनके जो गोल्स हैं, इंडिविजुअल गोल्स हैं, वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ किस तरह से इंटीग्रेट करोगे. मेंटेनेंस, मेंटेनेंस यानी उन्हें देखिए लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर यानी क्या होता है, अगर एक एम्प्लॉय वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है तो कंपनी छोड़ के चला जाता है एंड दिस इज़ नॉट गुड फॉर द दिस इज़ नॉट गुड फॉर द कंपनी. अगर आपके एम्प्लॉयज़ हरदम आपको छोड़ के जा रहे हैं तो वो आपकी जो गुडविल है उसको भी डैमेज करता है. तो हाउ यू विल मेंटेन दिस ह्यूमन रिसोर्स एंड सेपरेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस. सेपरेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस का मतलब होता है कि अगर कोई छोड़ के जा रहा है, ठीक है, तो उसे किस तरह से काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी, या तो फिर अगर उसे अपने यहाँ पे ही रखना है तो हम लोगों को उसके लिए क्या मेजर्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे टू द एंड दैट इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर अकम्प्लिश्ड. तो ये किस लिए किया जा रहा है पूरा का पूरा, कि जो इंडिविजुअल है यानी जो आपने रिक्रूट किया हुआ पर्सन है, ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपने उसे रिक्रूट किया है एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स यानी जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो उसे अकम्प्लिश्ड कर रहे हो. तो ये पूरा का पूरा अकॉर्डिंग टू फ्लिपो इज़ द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. लेट अस सी द अदर डेफिनेशंस विच इज़ गिवन बाय द डिकेंजो एंड रॉबिन्स. अकॉर्डिंग टू देम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ फोर फंक्शंस. उन्होंने कहा है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो कंसिस्ट करती है फोर फंक्शंस की. कौन सी है? एक्विजिशन है, डेवलपमेंट है, मोटिवेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस. देखिए उन्होंने भी ये कहा है कि एक्विजिशन, जैसे आपको अगर काम करना है ऑर्गेनाइजेशन में तो यू नीड द मैन फोर्स, बराबर है, आपको ह्यूमन फोर्स चाहिए फॉर डूइंग द वर्क ऑफ द कंपनी. देन डेवलपमेंट, जैसे कि मैंने कहा आपको उन्हें डेवलप करना है, आपको उन्हें मोल्ड करना है ऑर्गेनाइजेशनल एटमॉस्फेयर के साथ, यू हैव टू मोटिवेट देम, बराबर है, मोटिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट रहता है टू परफॉर्म बेटर. यानी आप जितने मोटिवेटेड रहोगे उतने ही आपकी वर्किंग में क्वालिटी मेंटेन होगी और आप अच्छे से यानी विलफुली आप अपना काम करोगे. एंड मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस ये मेंटेनेंस ऑफ मशीनरीज के साथ नहीं करना है. तो मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस यानी उन्हें उस तरह से इन्वॉल्वमेंट प्रोवाइड करना है कि वो उस तरह से अटैच हो या स्टिक हो वो कंपनी के साथ में, ठीक है. तो दैट इज़ नोन एज मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. तो क्या कहा है डिकेंसो एंड रॉबिन्स ने, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है एक प्रोसेस है, उसमें चार फंक्शंस होते हैं और उन्होंने वो फंक्शंस बताए और इन फंक्शंस को देख के ही एक कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है वो वर्क करता है. देन अकॉर्डिंग टू जी आर अग्रवाल, देखिए जी आर अग्रवाल जो है उन्होंने भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक अलग से अपनी डेफिनेशन दी है. वो कहते हैं इट इज़ अ प्रोसेस कंसर्न विद द मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन एनर्जीज. उन्होंने क्या कहा है इसे, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन एनर्जीज. ह्यूमन एनर्जीज इसलिए वर्ड यहाँ पे यूज़ किया हुआ है कि ह्यूमन फोर्स जो है जितना ज़्यादा एक्टिव रहेगा, जितनी ज़्यादा वो अपना डिवोशन देगी कंपनी में एंड कॉम्पिटेंसीज फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, यानी जो अपनी एनर्जी वहाँ पे लगा रहे हैं, अपनी कॉम्पिटेंसी वहाँ पे लगा रहे हैं फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स थ्रू किस तरह से होने वाला है, एक्विजिशन, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ अ कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट. देखिए एनवायरनमेंट हर दम चेंजिंग ही रहने वाला है, स्टैटिक तो कोई है ही नहीं, सब क्या है, डायनेमिक है. तो ये जो डायनेमिक एनवायरनमेंट है, जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है, उसके साथ आपको क्या करना है, जो ह्यूमन एनर्जीज है, जो उनकी कॉम्पिटेंसीज है, कॉम्पिटेंट पर्सन्स रहते हैं, किस लिए है वो वहाँ पे, फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. हर एक कंपनी अपने यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो अपॉइंट करती है या उनका जो सिलेक्शन होता है वो सिर्फ उनके इंडिविजुअल गोल्स के लिए नहीं होता है,
तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स क्या है, उसे अचीव करने के लिए हमें किस तरह के ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत है ये देखा जाता है, और ये देखने की प्रोसेस राइट फ्रॉम कहाँ से शुरू होती है, एक्विजिशन। एक्विजिशन यानी कंपनी में एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन करना, उसके पहले भी रिक्रूटमेंट आती है। मैंने जैसे आपको कहा कि ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, जैसे जैसे हम लोग उसे आगे देखेंगे हर एक इसमें अलग अलग ये दिया है, रिक्रूटमेंट क्या रहेगी, सिलेक्शन क्या रहेगा, तो ये हम लोग बाद में देखने वाले हैं। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि एक्विजिशन यानी राइट पर्सन को हम लोग किस तरह से एक्वायर्ड कर सकते हैं फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। डेवलपमेंट यानी आपने एक बार एक कॉम्पिटेंट पर्सन जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सकता है उसे अपने आप पे लिया है, लेकिन उसकी डेवलपमेंट जरूरी है, तो थ्रू ट्रेनिंग आप उन्हें डेवलप करो, ठीक है। फिर यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस, फिर उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन। प्रॉपर यूटिलाइजेशन का मतलब यह होता है राइट पर्सन फॉर द राइट प्लेस। इस तरह से अगर आपने उनको यूटिलाइज किया तो ही जो कॉम्पिटेंट पर्सन है, जो जो वर्क करने के लिए कॉम्पिटेंट है, उसके साथ अगर जो वर्क करने के लिए जो पर्सन कॉम्पिटेंट है उससे अगर आपने उस काम के लिए दिया तो उससे जो आउटपुट मिलने वाला है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड कमिटेड वर्कफोर्स, कमिटेड वर्कफोर्स का मतलब ये होता है कि अपना काम करने के लिए वो कमिटेड है इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। देखिए बाकी यहाँ से चेंजिंग एनवायरनमेंट है, बाकी कंपनीज आपको अट्रैक्ट करने के लिए देखेगी, तो फिर भी अगर आपका वर्कफोर्स जो है वो कमिटेड होगा तो ऐसे चेंजिंग एनवायरनमेंट में भी वो आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए आपको मदद करेगा। तो दैट इज़ द टास्क ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, हाउ टू डील विद दिस ह्यूमन टास्क सो दैट दे विल बी डेडिकेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशनल वर्क। देन अभी देखते हैं कि मीनिंग क्या है ये HRM का। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ अ मैनेजमेंट फंक्शन दैट हेल्प्स मैनेजर्स रिक्रूट्स सिलेक्ट ट्रेन एंड डेवलप मेंबर्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट फंक्शन है। ऑब्वियसली मैनेजमेंट आ रहा है तो उनको मैनेजमेंट जो फंक्शंस हमने 11th 12th से देखे हैं वो तो करने ही हैं। बट दैट हेल्प्स, किस लिए हेल्प कर रहा है मैनेजर को, हेल्प कर रहा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टू रिक्रूट यानी प्रॉपर पर्सन ने हमारे यहाँ पे किस तरह से अप्लाई करना है। देखिए अगर हमारे यहाँ पे प्रॉपर पर्सन अप्लाई नहीं करते हैं तो आपके पास कोई ये नहीं रहेगा, अल्टरनेटिव नहीं रहेगा, और जो लोगों ने आपके तरफ ये किया अप्लाई किया उनमें से किसी को आपको लेना होगा। तो यहाँ से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का टास्क शुरू होता है कि प्रॉपर पर्सन ने, कॉम्पिटेंट पर्सन ने आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई करना जरूरी है, एंड दैट इज़ नोन एज रिक्रूट्स। देन सिलेक्ट, सिलेक्शन यानी क्या है, बहुत से लोगों ने आपके यहाँ पे एप्लीकेशंस भेजी है, उसमें से आपको प्रॉपर पर्सन को भी क्या करना है, सिलेक्ट करना है। देन ट्रेन, जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्हें आपको अभी क्या प्रोवाइड करनी है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है सो दैट दे विल फिट टू देयर वर्क। एंड डेवलप, डेवलप यानी क्या होता है, फिर जैसे एक ही काम के लिए नहीं है, उनमें इनोवेशंस भी लाने हैं और स्किल डेवलप करनी है, तो इसके लिए जो कंपनी की तरफ से स्टेप्स ली जाती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मेंबर्स, और किस लिए ये पूरा किया जा रहा है, फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। देन HRM मीन्स टू सिलेक्ट, फिर से वही है, डेवलप मोटिवेट एंड मेंटेन ह्यूमन रिसोर्सेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपको उन्हें सिलेक्ट भी करना है, आपको उन्हें डेवलप भी करना है, फिर आपको उन्हें मोटिवेट भी करना है काम करने के लिए, एंड मेंटेन भी करना है इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अगर ये सब कुछ हो गया तो ही एक हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ के मैनेजमेंट जो है वो अच्छी है, बराबर है। अच्छी मैनेजमेंट है ये हम लोग कब कह सकते हैं कि जब ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स भी अचीव हो रहे हैं और साथ ही साथ जिस एम्प्लॉयज़ को आपने अपॉइंट किया है उनके इंडिविजुअल गोल्स भी अचीव होते हैं। तो किस तरह से होते हैं, देखिए सिलेक्ट किया है प्रॉपर पर्सन को, फिर उसे डेवलप किया है, उसे मोटिवेट किया है उसका वर्क करने के लिए, और उसे मेंटेन किया हुआ है। मेंटेन करना यानी मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि वो जो आपके यहाँ का एनवायरनमेंट है उसमें वो विलफुली अपना वर्क करना चाहिए, तो ही अगर बाकी के लोग, बाहर के लोग उसे ज़्यादा सैलरी भी देकर
खींचने के लिए देख रहे हैं, तो भी ये क्या करेगा, ये वही के वही स्टिक रहेगा, वही ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल रहेगा। ठीक है, इट फर्स्ट सिलेक्ट्स द राइट ह्यूमन रिसोर्सेस और स्टाफ। देखिए, ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, वो सबसे पहले क्या करता है, राइट ह्यूमन रिसोर्सेस की, और या हम लोग कह सकते हैं स्टाफ को पहले सिलेक्ट करता है। इट ट्रेन्स एंड डेवलप्स देम। देखिए, हर एक कितना भी स्किलफुल हो, लेकिन जब उसे एक्चुअल वर्क करना है, तो वर्क को किस तरह से परफॉर्म करना है, इसके लिए उसे ट्रेनिंग देना जरूरी होती है, और उसे डेवलप करना भी है, यानी उसके जो स्किल्स है, उसके लिए लगने वाले जो कॉम्पिटेंसीज है, जो एफिशिएंसीज है, उसे डेवलप करना है, और ये भी काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का ही होता है। इट मोटिवेट्स देम बाय गिविंग देम रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड्स। देखिए, मोटिवेशन अगर आपको किसी काम के लिए मिलता है, तो ही आप क्या करते हो, और अच्छे से काम करने के लिए देखते हो। समझ लीजिए कि आपने कोई अच्छा काम किया है, लेकिन आपको किसी ने उसके लिए बोला ही नहीं है, होता है ना घर में ऐसे, आपने कोई अच्छा काम किया, अगर आपने पेरेंट्स ने आपकी वाह वाह की, तो आपको और खुशी होती है और आप और काम करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन समझ लीजिए कि उन्होंने आपको कुछ बोला ही नहीं है, ये तो करना ही चाहिए था। अगर ऐसा किया तो लगता है इतना करने के बाद भी अगर मुझे कुछ नहीं रिकग्निशन मिल रहा है, तो मैं क्यों करूँ, बराबर है। इसलिए अगर आप किसी को मोटिवेट करना चाहते हो, तो उन्हें उसका रिकग्निशन मिलना जरूरी है, एंड रिवॉर्ड्स भी देने जरूरी है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स देम विद द बेस्ट वर्किंग कंडीशंस, और काम करने के लिए अच्छा इन्वायरमेंट होगा, तो ही जो ह्यूमन रिसोर्सेस है, वो अच्छे से अपना काम वहाँ पे परफॉर्म कर सकेंगे। तो क्या है फिर, इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रेफर्स टू अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, जैसे कि हमने देखा रिक्रूटमेंट है, फिर बाद में सिलेक्शन है, ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट है, मेंटेनेंस है, तो ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, फंक्शंस है, एंड एक्टिविटीज डिजाइन एंड कैरिड आउट इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज बोथ एम्प्लॉय एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। तो ये क्या है, सेट प्रोग्राम्स है, फंक्शंस है, एक्टिविटीज़ है, और ये डिज़ाइन की गई है, उससे काम करवाया जाता है, ये प्रोग्राम से किस लिए किया जाता है, सो दैट एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशनल का इफेक्टिवनेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले, बराबर है। एम्प्लॉयज़ इफेक्टिवली अपना वर्क करें, और ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल्स जो है वो अचीव करें। तो आज के लिए मुझे लग रहा है ये डेफिनेशन और ये मीनिंग काफ़ी है। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे कि नेचर ऑफ एचआरएम क्या है। टिल देन, थैंक यू।